तो आज हम लोग आईआईटी जेई मेंस 2014 में पूछा गया एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड यू। तो जैसे कि एक सेंटेंस हमने पढ़ा है ना, ये कोई टावर है जिसका हाइट है एच, यहां से किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हीट द ग्राउंड इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ये हाइएस्ट पॉइंट है, उसके बाद वापस इसी लाइन पर रिटर्न होगा। मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ, रिटर्न होकर के वापस आया ग्राउंड पर, है ना। तो अगर यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम जो है वो मैं मान लेता हूँ कि टी नॉट है, ठीक। इस टी नॉट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और फिर यहाँ से जा करके वापस ग्राउंड को हीट करने का जो टाइम है सपोज वो है टी, तो ये टी जो है वो एन इंटू टी नॉट के इक्वल है। मतलब यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेता है उसका एन टाइम्स टाइम लेता है यहां से वापस ग्राउंड तक जाने में, है ना। ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर पूछा गया है कि द रिलेशन बिटवीन एच जो कि हाइट है उसका ये टावर का, यू जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है एंड एन, इज चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हम लोग को सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि ये टी नोट का वैल्यू निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो हम लोग फाइंड करेंगे ये जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो करना है, इनिशियल है यू और एक्सेलरेशन है माइनस जी। ये ध्यान रखना है कि अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेता हूं, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे है जी। एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जी हमेशा निगेटिव में ही रहेगा चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। ऊपर जाने से क्या होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी, नीचे जाने से वेलोसिटी निगेटिव में होगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा ही नीचे है इसलिए हमेशा ही निगेटिव रहेगा। तो माइनस जी इंटू टाइम टी नॉट, तो यहां से टी नोट का जो वैल्यू है ये हो गया यू बाई जी, ठीक। ये आ गया पहला इक्वेशन। उसके बाद डायरेक्ट मैं इस काइनेमेटिक्स का इक्वेशन को अप्लाई करता हूं यहां से लेकर के यहां तक, है ना। तो देखेंगे कि जब पार्टिकल यहां से चला था जीरो टाइम पर, तो यहां से घूम करके यहां आने पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जिसका देखेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो था वो ऊपर की तरफ था इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे यू। ये जो टाइम है टी, इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं एन टी नॉट, एन टी नॉट प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में माइनस जी के इक्वल है, और फिर से इस टी का वैल्यू एन टी नॉट रखेंगे यहां से, तो ये हो गया माइनस एच यू एन टी नॉट का वैल्यू यहां से यू बाई जी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस जी, यहां पर इसका होल स्क्वायर है तो जी बाई टू इंटू एन स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट का वैल्यू जो है यू बाई जी रखेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे कि यू स्क्वायर इंटू एन बाई जी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा वन माइनस एन डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया। तो यू स्क्वायर इंटू एन टू माइनस एन डिवाइडेड बाई टू एल सी एम हो गया, यहां पर ये टू जी हो गया, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एच है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा टू जी एच, ये माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस टू इंटू
एन इंटू यू स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन आया एच यू और एन में। देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर, तो ये देखेंगे ऑप्शन ए जो है 2GH इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस टू। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि इसमें पूछा गया।